आज हम पीएन जंक्शन को डायोड पीएन जंक्शन डायोड को डिस्कस करने जा रहे हैं। कल हम लोगों ने पी टाइप और एन टाइप मटेरियल को डिस्कस किया था और इस तरह प्योर सेमीकंडक्टर को भी डिस्कस किया था कि किस तरह पी और एन टाइप मटेरियल आप बना सकते हैं, किस तरह आप टेट्रावेलेंट में ट्राईवेलेंट शामिल करके पी टाइप और किस तरह आप टेट्रावेलेंट में पेंटावेलेंट की इम्प्योरिटी शामिल करके एन टाइप बनाते हैं। तो एन टाइप और पी टाइप को जब आपस में ज्वाइन कर दिया जाए, इसको आपस में जंक्शन बना दिया जाए, इनको आपस में कनेक्ट करते हैं आप लोग, तो एक दरमियान में एक जंक्शन आ जाता है जिसको हम पी एन जंक्शन कहते हैं। देखें, फर्ज करें इफ़ यू हैव अ पीस ऑफ पी टाइप एंड कनेक्ट इट विद द पीस ऑफ एन टाइप मटीरियल, आप उसको एन टाइप मटीरियल के पीस के साथ कनेक्ट कर देते हैं पी टाइप के मटीरियल को। तो ये जो जगह है ये आपके पास उनके दरमियान जहाँ वो ज्वाइन हो रहे हैं, तो वहाँ वो पी एन जंक्शन बन रहा है। अब पी एन जंक्शन में या ये इससे डायोड बनेगा, पी एन जंक्शन डायोड, उसका क्या मतलब है? अगर मैं इसके साथ शामिल कर दूँ, लफ्ज़ लिख दूँ, पी एन जंक्शन डायोड भी कह दूँ, तो व्हाट डज इट मीन और इसकी क्या खासियत है, इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं? देखिए, पी एन जंक्शन इसके अंदर जो है पी टाइप और एन टाइप मटेरियल की कहानी जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, तो पी एन जंक्शन टू टर्मिनल डिवाइस है, एक टर्मिनल पी होगा, एक टर्मिनल एन होगा। आपको पता है दिस पी टाइप जो रीजन है इसमें होल्स जो होंगे वो मेजॉरिटी कैरियर होंगे और इस रीजन में इलेक्ट्रॉन भी होंगे लेकिन वो माइनॉरिटी कैरियर होंगे। लिहाजा मेजॉरिटी किसके पास है? होल के पास, और माइनॉरिटी किसके पास है? इलेक्ट्रॉन्स के पास, इलेक्ट्रॉन्स इस रीजन में, और इस रीजन में एन रीजन में इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी में होंगे और होल माइनॉरिटी में होंगे। तो ये मेजॉरिटी माइनॉरिटी की बातें हम कल भी कर चुके हैं, यू शुड बी फेमिलियर ऑफ द स्टोरी, मेजॉरिटी माइनॉरिटी की बातों से आपको फेमिलियर होना चाहिए। तो ये आपके पास एन रीजन, ये पी रीजन, पी रीजन जो है उसमें होल मेजॉरिटी में, एन रीजन में इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी में। ये डायग्राम है, हाथ से बनी हुई डायग्राम है, ये माइक्रोस्कोपिक चीज़ें हैं, हाथ से बनाई जा ही नहीं जा सकती हैं वैसे बेसिकली। ताहम समझाने के लिए मैं आपको एक डायग्राम है शो कर रहा हूँ। दिस इज पी रीजन इन विच होल आर मेजॉरिटी कैरियर, और दिस इज एन रीजन इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी कैरियर। इसमें इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी कैरियर के तौर पे मौजूद ज़रूर होंगे, इलेक्ट्रॉन को एज अ माइनॉरिटी कैरियर हम ज़रूर लेंगे, उनकी माइनॉरिटी मौजूद होगी, और इसमें होल्स एज अ माइनॉरिटी कैरियर मौजूद होंगे। ये कल मेजॉरिटी और माइनॉरिटी कैरियर की बातें हम कल डिस्कस कर चुके हैं। यानी कि व्हेन यू हैव अ पी टाइप मटेरियल, इन दैट टाइप ऑफ मटेरियल होल आर इन मेजॉरिटी एंड इलेक्ट्रॉन आर इन माइनॉरिटी, एंड इन एन टाइप इलेक्ट्रॉन आर इन मेजॉरिटी एंड होल्स आर इन माइनॉरिटी। तो मेजॉरिटी माइनॉरिटी, अब आपको कल मैंने बताया था कि अगर आपके पास सिलिकॉन का एक एटम है, सिलिकॉन, तो उसके पास फोर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और उन फोर इलेक्ट्रॉन्स को अगर आप आगे फोर सिलिकॉन के साथ जॉइन करते हैं तो ये आपके पास टेट्रावेलेंट फोर्थ ग्रुप का प्योर सेमीकंडक्टर की मैंने आपको डायग्राम बना दी है। अब ये कल वाली बात है थोड़ी सी, मैंने आपको कल भी ये बात बताई थी। अब अगर ऐसा हो, पिछले वीडियो या लेक्चर में ऐसा हो कि अगर हम सिलिकॉन को रिमूव कर लें और यहाँ पर हम एल्यूमिनियम का एटम इंट्रोड्यूस कर दें, एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम के पास एक दो तीन इलेक्ट्रॉन होते हैं, लिहाजा एल्यूमिनियम होल कंट्रीब्यूट करेगा। लिहाजा ये जो होल आपको नज़र आ रहे हैं, तो हो सकता है ये आपके पास कौन से एटम होंगे, ये होल्स आपके पास एल्यूमिनियम के एटम्स हो सकते हैं, या फोर्थ ग्रुप में किसी और को ले लें।
बोरॉन को ले लें, किसी और को ले लें, उसके एटम्स हो सकते हैं। और ये जो जंक्शन है इसके इस तरफ जो है, ये जो आपको इलेक्ट्रॉन जिसको मैंने बनाया हुआ है, ये जो आपको इलेक्ट्रॉन्स के मैंने डॉट शो किए हुए हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग जो है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि यहाँ सिलिकॉन की बजाय कौन सा एटम होगा? फास्फोरस, फर्ज करें, क्योंकि पेंटावेलेंट एंटी पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी को टेट्रावेलेंट में डालने से मिलते हैं। तो ये एक, ये दो, तो ये पांच इलेक्ट्रॉन आ गए, और साथ सिलिकॉन लगा लें, तो डियर स्टूडेंट्स आप देख रहे हो कि यानी कि ये जो आपको डॉट डॉट ये जो इलेक्ट्रॉन मैंने शो किए हैं, इन डॉट्स इलेक्ट्रॉन से मुराद फास्फोरस के फॉर एग्जांपल एटम्स हैं, पांचवें ग्रुप के एटम्स की इम्प्योरिटीज हैं प्योर सिलिकॉन या प्योर जर्मेनियम में। और ये जो आपको होल नज़र आ रहे हैं, ये फर्ज करें आपके पास तीसरे ग्रुप की इम्प्योरिटीज़ जैसे एलुमिनियम वगैरह हैं, ये आपके पास इस तरह की कहानी है। यानी कि एक होल, ये वाला जो मैंने होल बनाया है, ये वाला होल आप समझें कि ये एटम है, और ये जो मैंने इलेक्ट्रॉन बनाया है आपके सामने, ऐसे इलेक्ट्रॉन होल सिंबॉलिकली जाहिर कर रहा हूँ, तो ये समझें कि इस तरह के एटम है, और उनके दरमियान ये सरहद है, ये बाउंड्री है, ये एक लेयर है, रीजन है। अब आपको पता होना चाहिए इस रीजन में एल्यूमिनियम का जो एटम है इसके पास होल है, लेकिन ये एटम न्यूट्रल ज़रूर है। क्यों? एल्यूमिनियम के पास जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही प्रोटॉन हैं, इस तरफ फास्फोरस का एटम भी, ये ना समझे कि ये एन टाइप है फास्फोरस तो ये नेगेटिव चार्ज है, नहीं नहीं ये न्यूट्रल है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो और प्रोटॉन फास्फोरस के इक्वल हैं, सिलिकॉन के भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इक्वल है, इधर एल्यूमिनियम में भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पॉपुलेशन इक्वल है, सिलिकॉन में भी इक्वल है, लिहाजा अभी तक न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब नहीं हुई है। एन टाइप भी न्यूट्रल है और पी टाइप भी न्यूट्रल है, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट बात है, एन टाइप में नेगेटिव चार्ज कैरियर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और पी टाइप में पॉजिटिव फ्री चार्ज कैरियर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। कंसंट्रेशन ऑफ द चार्ज कैरियर इज डिफरेंट इन टर्म ऑफ साइन, यहाँ पॉजिटिव साइन वाले हाई कंसंट्रेशन में है, यहाँ नेगेटिव वाले हाई कंसंट्रेशन में हैं। तो यूँ समझ लें, हेयर दिस इज द गैस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और आपको पता है जब गैस एक रीजन में हाईली कंसंट्रेटेड हो और दूसरे रीजन में लो कंसंट्रेशन हो तो वो डिफ्यूज होती है, लिहाजा इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एन रीजन से पी रीजन में, ये एन है, एन रीजन है, ये पी रीजन है, तो एन रीजन से पी टाइप में इलेक्ट्रॉन्स डिफ्यूज होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होल्स में चले जाएंगे, इसको हम कहते हैं रिकॉम्बिनेशन। ये कौन सा फिनोमिना हो रहा है यहां पर? रिकॉम्बिनेशन हो रही है, रिकॉम्बिनेशन। तो इस रिकॉम्बिनेशन की वजह से जब इलेक्ट्रॉन फास्फोरस का इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम के पास आ जाएगा, इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया, उसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया, उसके भी इलेक्ट्रॉन पूरे आठ हो गए, इसके भी पूरे हो गए, इसके पास एक एक्स्ट्रा था, इसके पास कमी थी, तो इसका मतलब है एक रीजन में जो पी साइड रीजन थी, पी साइड के एटम ने जब इलेक्ट्रॉन दे दिया, इट विल हैव डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इट विल बिकम अ पॉजिटिव चार्ज, ये एक पॉजिटिव चार्ज आयन बन जाएगा, और एल्यूमिनियम का एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद न्यूट्रल नहीं रहेगा और वो नेगेटिव आयन बन जाएगा, लिहाजा पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स जो हैं उनकी एक कॉम्बिनेशन हमें इस जगह पे मिल जाएगी, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स जो हैं वो इस रीजन में हमें मिल जाएंगे।
और पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस जब हमें इस रीजन में मिलेंगे तो यहाँ पर इस रीजन को हम लोग कहते हैं डिप्लीशन रीजन, डिप्लीशन रीजन। और ये जो डिप्लीशन रीजन है, इस डिप्लीशन रीजन के अंदर सिर्फ और सिर्फ इमोबाइल चार्ज कैरियर हैं। इस रीजन के अंदर मोबाइल चार्ज कैरियर मौजूद नहीं हैं। दिस इट हैज़ इमोबाइल। देखें, इलेक्ट्रॉन पे भी नेगेटिव चार्ज है, इस आयन पे भी नेगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन यानी कि इस एटम पे कौन सा चार्ज आ गया जब इलेक्ट्रॉन चला गया था? पॉजिटिव। इस पे कौन सा? नेगेटिव। लेकिन इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव आयन में फर्क है। इलेक्ट्रॉन इज फ्री टू मूव, दैट इज फ्री नेगेटिव चार्ज कैरियर, बट आयन जो है नेगेटिव आयन, ये इमोबाइल है, ये मूवेबल नहीं है, ये फिक्स्ड चार्ज कैरियर है, फ्री चार्ज कैरियर नहीं है। इस तरह होल पॉजिटिव चार्ज है बट वो फ्री चार्ज कैरियर है, लेकिन ये जो पॉजिटिव आयन है ये इमोबाइल चार्ज कैरियर है, फ्री चार्ज कैरियर नहीं है। तो डिप्लीशन रीजन के अंदर मौजूद जो आयंस हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, वो इलेक्ट्रॉन और होल से किस तरह मुख्तलिफ हैं कि वो साइन वाइज तो उसी तरह है, चार्ज की मैग्नीट्यूड भी उतनी तरह है, लेकिन ये इमोबाइल है। दिस रीजन इज डिप्लीटेड ऑफ द फ्री चार्ज कैरियर, ये फ्री चार्ज कैरियर से डिप्लीटेड है, आजाद है, इसमें कोई फ्री चार्ज कैरियर मौजूद नहीं है। और जबकि इन जगहों पर बहुत ज़्यादा फ्री चार्ज कैरियर मौजूद हैं। लेकिन अब जो मज़ीद इलेक्ट्रॉन आना चाहेगा इस तरफ, तो ये आयन उसको डिस्करेज करेगा, और होल जो है उसको ये पॉजिटिव आयन डिस्करेज करेगा। लिहाजा इस डिप्लीशन रीजन में एक बैरियर बन चुका है, जिस बैरियर का अपना एक पोटेंशियल है, और उसको हम कहते हैं बैरियर पोटेंशियल। बैरियर पोटेंशियल, बैरियर रुकावट को कहते हैं, रुकावटी पोटेंशियल बन चुका है। क्यों? अगर आप जर्नल देखें तो पॉजिटिव चार्ज इस तरफ आना चाहता है, नेगेटिव चार्ज इस तरफ आना चाहता है, कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स की मेजॉरिटी वाले हैं, फास्फोरस के एटम हैं, उनसे इलेक्ट्रॉन जंप करके इस तरफ चला जाएगा, और इलेक्ट्रॉन जब जंप करके चला जाएगा तो इस पे पॉजिटिव चार्ज, तो ये पॉजिटिव चार्ज की लेयर है, और इस पे नेगेटिव चार्ज, तो ये नेगेटिव चार्ज की लेयर है। तो ये थोड़ा सा इस चीज़ को मैंने रिवाइज किया है कि आइंस उस तरफ चले, क्या कहते हैं ये, यानी कि एन साइड में जो इमोबाइल कैरियर होंगे, एन साइड के अंदर वो पॉजिटिव होंगे और पी साइड के अंदर नेगेटिव आइंस बनेंगे। ये बात जहन में रखनी है। तो बहरहाल ये जब इस गलती का ऐसा ध्यान हुआ जब मैं डायरेक्शन बना रहा था, तो ये जो जंक्शन है P और N जहाँ ज्वाइन हो रहे, इस जंक्शन के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव एक्सटर्नल फील्ड के साथ अपोजिट है, एक्सटर्नल फील्ड के साथ वो अपोजिट है। एक्सटर्नल जो मतलब है होल और इलेक्ट्रॉन की फील्ड है, वो इस तरफ लाना चाहती है, लेकिन ये जो बैरियर है वो इस तरफ लाना चाहती है। लेकिन चूंकि इलेक्ट्रॉन और होल के पास पीछे से एनर्जी नहीं है कि वो इस बैरियर को जंप कर सकें, ये बैरियर जो है, इस बैरियर की अपनी फील्ड है जिसको हम बैरियर फील्ड कहते हैं। और आपको पता होना चाहिए जो बैरियर की फील्ड है वो बैरियर की पोटेंशियल डिवाइडेड बाई डिस्टेंस है, ये वाला जो सर उसकी थिकनेस है। लिहाजा यहाँ पर अपना एक बैरियर पोटेंशियल बन जाएगा, और बैरियर पोटेंशियल बैरियर फील्ड और सेपरेशन का प्रोडक्ट होगा, और इस बैरियर पोटेंशियल की वैल्यू है पॉइंट लगभग 6 to 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर सिलिकॉन, और 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, नॉट इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वोल्ट फॉर जर्मेनियम। इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो एनर्जी की टर्म में लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की यूनिट है, वोल्ट। तो इसका मतलब है ये जो रुकावटी बैरियर है, अगर फर्ज करें मैंने सिलिकॉन में डोपिंग की है, तो 0.6 to 0.7 वोल्ट का है, और इन इलेक्ट्रॉन्स के पास,
ये इनर्जी नहीं है इतने वोल्ट की कि इस बैरियर को जंप कर सकें, यानी कि इधर जो इलेक्ट्रॉन पड़े हैं उनको एक बैरियर जंप करना है, एक रुकावट जंप करना है, जिसकी वैल्यू फर्ज करें 0.7 वोल्ट है। इस इलेक्ट्रॉन के पास अब ये इनर्जी नहीं है कि वो, ये एनर्जी उनके पास अपनी ज़ाती नहीं है कि इससे लेकर वो इसको जंप करके यहाँ आ जाएं। और इसी तरह होल्स का भी यही सीन है कि होल्स के लिए भी इक्वल बैरियर है कि जो होल्स पड़े हैं उनके पास भी एनर्जी नहीं है कि इस बैरियर को, इस रुकावट को जंप कर सकें। तो लिहाजा ये जो जंक्शन है या डिप्लेशन रीजन का कंसेप्ट आपको बता दिया, पोटेंशियल बैरियर का कंसेप्ट बना दिया, एक बैरियर बन चुका है, एक रुकावट बन चुकी है। अगर आप यहाँ हैं तो इस बैरियर को आप कैसे छलांग लगाएंगे? आपने एनर्जी लेनी होगी यहाँ तक आने में और फिर आप बैरियर क्रॉस करेंगे। और ये आपके पास पीएन जंक्शन डायोड की कहानी मैंने आपको बना दी है। तो पीएन जंक्शन डायोड जो है वो इतने तक मैंने आपको यहाँ बताया कि ये किस तरह डायोड या पीएन जंक्शन बनता है, किस तरह डिप्लेशन रीजन बनती है, किस तरह एन रीजन से इलेक्ट्रॉन्स होल में रिकम्बाइन होते हैं और किस तरह जो है ये रिकॉम्बिनेशन से एन रीजन में पॉजिटिव आइंस और पी रीजन में नेगेटिव आइन बाउंड्री के ऊपर, जंक्शन के ऊपर बनते हैं और एक डिप्लेशन रीजन बन जाता है और एक डायोड बन जाता है, टू इलेक्ट्रोड्स पे मुश्तमिल, पॉजिटिव और नेगेटिव पे मुश्तमिल एक डायोड बन जाता है। अब ये जो कहानी है जो मैंने आपको बताई है, इसमें एक बात आपने इस बात को भी जहन में रखना है स्टूडेंट्स कि ये जो आपका ये जो जंक्शन बना है, ये जो डिफ्यूजन हुई है, उस डिफ्यूजन की वजह से आपको डिफ्यूजन करंट भी मिलेगा। कौन सा करंट? डिफ्यूजन करंट, डिफ्यूजन करंट। तो डिफ्यूजन करंट जो है आपको पता है, इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ आएंगे तो करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के अट्रैक्शन के अपोजिट होगी, और होल्स इस तरफ जाएंगे तो करंट की डायरेक्शन होल की तरफ ही होगी। लिहाजा होल्स प्लस इलेक्ट्रॉन्स मिलकर आपको एक करंट देंगे जिसको हम डिफ्यूजन करंट कहते हैं। ये होल्स असल में, होल्स तो बकायदा पार्टिकल नहीं है, दैट इज़ डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन जब एक होल के अंदर इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो हम कहते हैं होल चला गया है। इलेक्ट्रॉन इस तरफ आया है तो जिस तरफ से इलेक्ट्रॉन होते हैं हम कहते हैं होल्स का इफेक्ट उधर चला गया है। लिहाजा होल के जाने का ये मतलब है, बकायदा होल ऐसे चाहते हैं, कोई होल बकायदा पार्टिकल नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन की तरह ट्रैवल करने लग जाएगा। होल्स एक तरफ जाता है तो हम, उसका मतलब ये है कि होल्स इस तरफ से फिर इलेक्ट्रॉन ने होल को फिल किया है और होल गायब हो गया है। बहरहाल अब इसमें जो अगली बात हम डिस्कस कर रहे हैं वो है बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। डायोड बायसिंग का क्या मतलब है? बाइस करने का मतलब है कि ये जो आपका डायोड मैंने बना रखा है पीएन जंक्शन, ये अनबाइस्ड है, इसके साथ एक्सटर्नल सोर्स कनेक्ट नहीं किया, इसको एक्सटर्नल सोर्स से ईएमएफ या वोल्टेज प्रोवाइड नहीं कर रहे। अगर आप किसी पीएन जंक्शन को एक्सटर्नल डीसी सोर्स से कनेक्ट कर दें तो इस डीसी सोर्स से वोल्टेज प्रोवाइड करने के अमल को हम बाइसिंग कहते हैं। और बाइसिंग की दो किस्में हैं, एक को हम बोलते हैं फॉरवर्ड बाइस्ड पीएन जंक्शन, फॉरवर्ड बायसिंग, फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन डायोड, और दूसरी को हम बोलते हैं रिवर्स्ड बायसिंग। फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायसिंग। डियर स्टूडेंट्स, बायसिंग का क्या मतलब होता है आपको मैंने बताया, टू प्रोवाइड डीसी वोल्टेज, बायस कर देना। पहले इसमें बायसिंग नहीं थी, पॉजिटिव और पी टाइप और एन टाइप की को किसी किस्म की बाहर से एनर्जी सपोर्ट नहीं कर रही थी। अब बाहर से जब आप उसको सोर्स कनेक्ट कर देते हैं, फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होगा कि पी रीजन के साथ, पी रीजन एन रीजन, P
पी रीजन को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट कर दें और एन को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करने को फॉरवर्ड बायसिंग कहते हैं। एन विद एन टाइप, नेगेटिव टर्मिनल विद एन टाइप एंड पॉजिटिव टर्मिनल विद पी टाइप, इस तरह का डीसी वोल्टेज प्रोवाइड करना जिसमें पॉजिटिव पी पे और नेगेटिव टर्मिनल एन पे हो, बायसिंग फॉरवर्ड बायसिंग कहलाता है। अब इसमें होगा क्या, आपको पता है दिस इज पी रीजन इन विच होल्स और इन मेजॉरिटी होल्स मेजॉरिटी में है एंड इस रीजन में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मेजॉरिटी में हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मेजॉरिटी, अब आपको पता है नेचुरल डिप्लेशन रीजन एन टाइप में इलेक्ट्रॉन जब जंप करेगा तो इस साइड पे पॉजिटिव आयन और ये नेगेटिव, ये तो पहले वाली बात ही हो रही है, कोई नई बात इसमें मैंने नहीं सो जाहिर की अभी तक। अब देखिए आप, दिस पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ द चार्ज जिसको होल कहते हैं उसको रिपेल करेगा और नेगेटिव टर्मिनल जो है इस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को इस तरफ पंप करेगा, रिपेल करेगा और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इस डिप्लेशन रीजन को और इलेक्ट्रॉन्स इस डिप्लेशन रीजन को, ये जो बैरियर बन चुका है इस डिप्लेशन रीजन का, उस बैरियर को जंप करने की पूरी कोशिश करेगा जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे। अब अगर आपके पास सिलिकॉन है और आपने वोल्टेज कर दिया 0.1 वोल्ट तो कोई इलेक्ट्रॉन इस बैरियर को क्रॉस नहीं करेगा, 0.2 पे भी नहीं, 0.3 पे भी नहीं, 0.4 पे, 0.5, 0.6 या 6 का है या 7 का है, 0.7 वोल्ट जो है जो उस बैरियर का वोल्टेज है, जब उसके बराबर आप वोल्टेज दे देंगे तो आप बैरियर को क्रॉस करने का काबिल हो चुका है। क्यों हो चुका है, क्योंकि उसको एक्सटर्नल एनर्जी मिली है, अब वो इस बैरियर को क्रॉस कर सकता है, पहले इस बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकता था। तो लिहाजा अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, इफ आई प्लॉट दिस डायोड करंट अगेंस्ट द वोल्टेज, मतलब हम बायसिंग से हम चेक कर रहे हैं कि डायोड कंडक्टर है या इंसुलेटर है, तो हमने देखा जैसे जैसे वोल्टेज हम कम अप्लाई कर रहे थे 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6 और 0.7, तो 0.7 वोल्ट तक कुछ नहीं था और 0.7 के बाद आपको, यानी 0.7 वोल्ट के बाद उस बैरियर को क्रॉस करने की एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स और होल को मिल जाएगी और वो डिप्लेशन रीजन थिन हो जाएगी, डिप्लेशन रीजन ख़त्म हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन और होल अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगे। इलेक्ट्रॉन इस रीजन में ट्रैवल करेगा तो इलेक्ट्रॉन और होल्स इस रीजन में ट्रैवल करेगा। डियर स्टूडेंट, आपको पता है करंट की डायरेक्शन जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मोशन की अपोजिट और पॉजिटिव चार्ज के करंट की डायरेक्शन जो है नेगेटिव चार्ज की डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है तो उसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के मोशन की अपोजिट और होल पॉजिटिव चार्ज है तो कन्वेंशनली करंट की डायरेक्शन होल की डायरेक्शन में ली जाएगी। लिहाजा करंट की डायरेक्शन जो है डियर स्टूडेंट आप देख रहे हैं होल की डायरेक्शन में होगी, तो लिहाजा इससे जो आपको ड्रिफ्ट करंट, इस करंट का क्या नाम होगा, ड्रिफ्ट करंट, ये डिफ्यूजन करंट नहीं है बैटरी की वजह से, तो ड्रिफ्ट करंट जो है वो भी IH प्लस IE होगा क्योंकि जिस तरफ होल जा रहे हैं करंट उधर और जिस तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं करंट उसके अपोजिट, तो दोनों करंट लाइक पैरेलल होंगे और कुल करंट आपको किस डायरेक्शन में मिल रहा है, कुल करंट पॉजिटिव है और वो पी टू एन आपको मिल रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, और इसको हम फॉरवर्ड करंट कहते हैं, फॉरवर्ड बायसिंग से मिलने वाला फॉरवर्ड करंट कहते हैं और इसको हम नी वोल्टेज कहते हैं, नी वोल्टेज जिस पे करंट ज़्यादा हुआ है। तो ये कहानी मैंने आपको पीएन जंक्शन में फॉरवर्ड बायसिंग की बताई है। नाउ व्हाट अबाउट रिवर्स बायसिंग, डियर स्टूडेंट रिवर्स बायसिंग में क्या होता है, रिवर्स बायसिंग में इसी पीएन जंक्शन डायोड में हम लोग क्या करेंगे, पी साइड को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी और एन साइड को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट कर देंगे। तो आपको पता होना चाहिए व्हाट विल हैपन, डिप्लेशन रीजन ऑलरेडी मौजूद है,
इस तरफ। अब ये पॉजिटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन्स है, तो इलेक्ट्रॉन्स विल बी अट्रैक्टेड। इधर से जब इलेक्ट्रॉन आप लेने लग जाएंगे तो ये डिप्लेशन रीजन मजीद ग्रो करने लग जाएगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल उन इलेक्ट्रॉन को, तो डिप्लेशन रीजन विल बी गेटिंग लार्ज और इलेक्ट्रॉन होल्स को भरने लग जाएंगे तो यहाँ भी नेगेटिव आइन ज़्यादा होते जाएंगे। लिहाजा डिप्लेशन रीजन इज ग्रोइंग एंड देयर इज़ नो चांस ऑफ द फॉरवर्ड करंट, क्योंकि फॉरवर्ड करंट तब होता जब होल पी से एन की तरफ जाते तो नेगेटिव टर्मिनल होल को इधर और ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को इधर नहीं आने देगा, होल इस तरफ और इलेक्ट्रॉन इस तरफ इस डायग्राम के हिसाब से नहीं जाएंगे, लिहाजा देयर विल बी नो चांस ऑफ द फॉरवर्ड करंट। लेकिन मैं आपको बता चुका था कि पी रीजन में भी कुछ माइनॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं और एन रीजन में भी कुछ माइनॉरिटी कैरियर होल्स मौजूद होते हैं, तो लिहाजा इन इलेक्ट्रॉन को देखें जो पी रीजन में है, तो ये नेगेटिव टर्मिनल उन इलेक्ट्रॉन को के लिए फॉरवर्ड बायस, यानी कि माइनॉरिटी कैरियर के लिए ये फॉरवर्ड बायस की तरह बिहेव करेगा, ये होल्स के लिए ये पॉजिटिव, लिहाजा इलेक्ट्रॉन इस तरफ और होल इस तरफ चूंकि बहुत थोड़े हैं, लिहाजा आपको ये जो नेगेटिव वोल्टेज आपने दिया है, नेगेटिव वोल्टेज और ये पॉजिटिव वोल्टेज था, तो उसकी वजह से आपको नेगेटिव करंट बहुत ही थोड़ा मिलेगा, माइक्रो एम्पियर्स में करंट मिलेगा, और ये माइक्रो एम्पियर में जो आपको करंट मिला है वो ये रिवर्स करंट है। क्यों? आप डायरेक्शन देख लें, होल्स किस तरफ जा रहे हैं, पी रीजन में मेजॉरिटी कैरियर क्या थे, होल्स, माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन, लिहाजा इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहा है, लेकिन उसका करंट किस तरफ ले जाएंगे, इस तरफ, और होल्स इस तरफ जा रहे हैं तो करंट उसका इसी तरफ ही लेंगे, लिहाजा कुल करंट आप जो नेगेटिव करंट है वो इस डायरेक्शन में है। पहले देखें पॉजिटिव करंट क्या था, पी टू एन था, नेगेटिव करंट क्या है, एन टू पी है, एन टू पी, लिहाजा नेगेटिव करंट इसीलिए कहते हैं कि वो एन टाइप से पी टाइप की तरफ ट्रेवल कर रहा है और ये पी टाइप से एन टाइप की तरफ, इसलिए मैंने इसको नेगेटिव एक्स एक्स वाई एक्सिस पे बनाया है। और अब अगर वोल्टेज आप बढ़ाते जाएं, भले ज़्यादा ज़्यादा बढ़ाएं, 10 वोल्ट 20 वोल्ट 30 वोल्ट 40 बड़े बड़े वोल्ट्स में वोल्टेज बढ़ाएं, तो रिवर्स वोल्टेज जो है वो आपके पास रिवर्स करंट में कोई ख़ास इजाफा नहीं होगा। हाँ, अगर आपका रिवर्स वोल्टेज एक ख़ास वैल्यू को एक्सीड कर गया है, वो इतनी बड़ी वैल्यू है जिस पर इन इलेक्ट्रॉन, देखें अगर आप नेगेटिव वोल्टेज बिल्कुल बढ़ाते जाएं, इधर बैटरी लगा लें और वोल्टेज को बड़ा से बड़ा करते जाएं, तो इन इलेक्ट्रॉन जो पी रीजन में माइनॉरिटी कैरियर हैं, एक मुसलसल उनको एनर्जी मिल रही होगी, और एन रीजन में जो होल्स हैं उनको, तो ये इलेक्ट्रॉन्स इस डिप्लेशन रीजन में उसमें घुस जाएंगे और उसमें बॉन्ड ब्रेकिंग करेंगे। जब बॉन्ड ब्रेकिंग होगी तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर पैदा होंगे, तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स जो पैदा होंगे तो वो इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन किस तरफ ट्रैवल करेगा, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, और होल्स किस तरफ ट्रैवल करेगा, नेगेटिव। तो आपको एक बहुत बड़ी मिकदार में नेगेटिव करंट मिल जाएगा, और इस रीजन को जिस पे नेगेटिव करंट बहुत ज़्यादा इन्फिनाइटली मिल जाता है उसको हम कहते हैं ब्रेक डाउन रीजन, और इसको कहते हैं ब्रेक डाउन ऑफ डायोड, ब्रेक डाउन रीजन, और डायोड को ब्रेक डाउन ऑफ डायोड कहते हैं। तो ये डायोड का जो ब्रेक डाउन होगा उसमें आपको सेचुरेशन रिवर्स करंट बहुत ज़्यादा तादाद में मिल जाएगा, लेकिन वो ब्रेक डाउन वोल्टेज यहाँ पॉइंट्स में वोल्ट दे रहे थे, यहाँ बड़ी वैल्यूज़ में वोल्टेज दे रहे हैं, और वो वोल्टेज जिस पे डायोड का, देखें ये एज अ वोल्टेज रेगुलेटर भी इस्तेमाल होता है रिवर्स रीजन में, वोल्टेज की वैल्यू इस 40 वोल्ट के ऊपर नहीं बढ़ रही, तो एज अ रेगुलेटर भी इस्तेमाल होता है। ब्रेक डाउन डायोड्स दो किस्म के होते हैं जो रिवर्स रीजन में काम करते हैं, रिवर्स बायसिंग के प्रिंसिपल पे काम करते हैं। एक को बोलते हैं जीनर डायोड, दूसरा एवलांच। जो जीनर है, जीनर ब्रेकडाउन और एवलांच ब्रेकडाउन होता है। जीनर में क्या होता है, ये जो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन पैदा हुए हैं ये मजीद बॉन्ड ब्रेकिंग नहीं करते, और एवलांच में जो है, यानी कितने ब्रेकडाउन हैं, जीनर ब्रेकडाउन, जीनर डायोड भी होता है रेगुलेटर के तौर पे, और दूसरे का नाम है एवलांच ब्रेकडाउन।
अब जीनर और एवलांच में क्या फ़र्क है? जीनर में ये है कि जीनर में जो बॉन्ड ब्रेकिंग होगी और जो इलेक्ट्रॉन पैदा होंगे वो मजीद बॉन्ड ब्रेकिंग नहीं करेंगे, और एवलांच में जो बॉन्ड ब्रेकिंग के बाद इलेक्ट्रॉन पैदा होते हैं, चूँकि एवलांच ब्रेक डाउन हैवीली डोप्ड होता है, उसमें रिवर्स वोल्टेज भी बहुत ज़्यादा होता है, और जो इलेक्ट्रॉन पैदा होते हैं बहुत इनर्जेटिक होते हैं, वो मजीद बॉन्ड ब्रेकिंग, यानी कि ये जो माइनॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन हैं, एक तो वो बॉन्ड ब्रेक कर रहे थे, और उन बॉन्ड ब्रेकिंग से जो इलेक्ट्रॉन पैदा हो रहे हैं एवलांच में, वो भी बॉन्ड ब्रेकिंग करेंगे और बहुत ज़्यादा रिवर्स करंट मिलेगा, और जीनर में ऐसा नहीं होगा। तो ये आपको मैंने आज के